तो दोस्तों अक्सर बहुत सारे लोग आकर कमेंट सेक्शन में मुझे बोलते रहते हैं कि यार मेरे को गेमिंग पीसी बिल्ड करना है लेकिन उतना बजट अलाउ नहीं करता मेरा बजट है बहुत ही मिनिमल सा, मात्र 15-20 हज़ार रुपए। इस प्राइस पॉइंट पर मैं एक एपीयू बिल्ड करना नहीं चाहता, और अगर एपीयू बिल्ड आप करेंगे तो उतना ज्यादा परफॉर्मेंस मिलेगा भी नहीं जितना आप एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। ऐसे में क्या क्या कॉम्पोनेंट्स मुझे चूज करने चाहिए अपने पीसी बिल्ड के लिए, तो आज के इस वीडियो में जानेंगे इसी बारे में। बनाएंगे कमाल का पीसी बिल्ड जो कि 15-20 हज़ार रुपए के प्राइस पॉइंट पर चुम्मा गेमिंग करा देगा आपको 720p एंड 1080p रेजोल्यूशन पर, और बनाएंगे किसी एक स्पेशल पर्सन के साथ में। सो वीडियो को पूरे एंड तक देखें और कहीं मत जाइएगा, वी विल बी राइट बैक। आज ही बाय कर अपने लिए परफेक्ट गेमिंग या फिर प्रोडक्टिविटी पीसी, विजिट करें www.techdreams.co.in और यहां पर जाकर आप चूज कर सकते हैं हमारे प्रीबिल्ट मशीन्स में से, या फिर किसी भी तरह की कस्टमाइजेशन के लिए आप हमें कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हम लोग ऑल ओवर इंडिया शिप करते हैं आपके डोर स्टेप पर, एंड आप चाहें तो हमारा रिटेल आउटलेट भी विजिट कर सकते हैं जो कि लोकेटेड है जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर न्यू दिल्ली में। लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन। तो दोस्तों आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया था अपने एक टीममेट बॉब डीलर से, तो बॉब डीलर यहीं पर हैं, उन्हीं का ये पीसी बिल्डर जो कि होने वाला है। सो प्रेजेंटिंग टू यू, वेरी डेंजरस। तो दोस्तों मेरे सहपाठी बॉब डीलर आ चुके हैं। बॉब डीलर जी, एक बार हम फिर से पूछना चाहेंगे आपसे इस वीडियो में कि आप मतलब डीलिंग किस चीज में करते हैं। सर डीलिंग ना मतलब नहीं याद करी मैंने। अच्छा बॉब ये बताओ कि इस पीसी पे आप करने क्या क्या वाले हो? सर इसके अंदर जैसे कि अभी जैसे कि मैं 20s का हूँ, तो अभी मुझे सीखने का ज्यादा इच्छा है, जैसे है। मैंने सुना है और मुझे अच्छा लगता है, तो अभी मैं स्पेशली टाइपिंग करूंगा और थोड़ी बहुत गेमिंग कर लूंगा। अब आए हैं, अब असली पॉइंट आए हैं। टैली वैली सीखूंगा जो भी। गेम कौन सी खेलोगे ये बताओ? गेम तो सर एक तो सर GTA 5 और एक के इंटरनेट कैफे सिमुलेटर। इंटरनेट कैफे सिमुलेटर, ओके नाइस। तो जल्दी से बिना किसी देरी के शुरू करते हैं बिल्ड को। कुछ चीजें पहले क्लियर कर दूं, इस बिल्ड में कुछ भी सेकेंड हैंड नहीं है। एवरीथिंग विच वी आर गोइंग टू यूज इज ब्रांड न्यू, सील पैक और वारंटी के साथ में आता है। अक्सर लोग इस रेंज में पीसी बिल्ड करने से इस वजह से भी डरते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर ऐसा कोई पीसी बिल्ड हम लोग कर रहे हैं मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स वुड बी सेकेंड हैंड, पुराने होंगे और हमको वारंटी नहीं मिलेगी। बट नहीं, आज के इस पीसी में हम लोग आपका मसीहा बन के आ चुके हैं, और इस बिल्ड में जो जो कंपोनेंट्स यूज किए जाएंगे वो सारे के सारे ब्रांड न्यू सील पैक होंगे, एंड दे कम विद वारंटी फ्रॉम द रिस्पेक्टिव सर्विस सेंटर्स। आइए जल्दी से बिना किसी देरी के बात कर लेते सभी कंपोनेंट्स के जो यूज होने वाले हैं इस पीसी बिल्ड में। स्टार्टिंग प्रोसेसर हम लोग यूज करने वाले हैं, ये सतरंगी नारंगी था प्रोसेसर। तो शिवम जब इस प्रोसेसर को लेकर आए थे तो पहली बार देखकर शिवम भी चौंक गया था कि ये कौन सा है, क्योंकि मैंने तो शिवम को बोला था इंटेल लाना, लेकिन वो कहते हैं अरे सर ये तो कुछ और ही मिल रहा है मेरे को। बट इन प्रोसेसर की कहानी ये है कि ये प्रोसेसर जो है, पहले इसका मॉडल बता देता हूँ, दिस इज द इंटेल कोर i5 3570 जो कि थर्ड जेन का कोर i5 है। सो दिस CPU कम्स विद 4 cores and 4 threads और इसमें आपको हाइपर थ्रेडिंग नहीं मिलती, तभी 4 threads है। आज की डेट में आपको कोई भी गेम खेलनी हो क्वाड कोर्स मच मोर देन इनफ रहते हैं, और जिस टाइप की गेमिंग हम लोग करने वाले हैं उसके लिए ये मच मोर देन एफिशिएंट रहेगा। अब ये इस पैकेजिंग में क्यों, इसकी कहानी क्या है मैं आपको बता देता हूं। ये सिर्फ इकलौता कंपोनेंट है इस पूरे पीसी बिल्ड में जो कि बाहर की कंट्री से रिफर्बिश्ड कंडीशन में इंपोर्ट किया जाता है इंडिया में, एंड दिस आल्सो कम्स विद 1 ईयर वारंटी। तो ये इकलौता कंपोनेंट जो कि हम पुराना यूज कर रहे हैं, बाकी सब कुछ ब्रांड न्यू है। इस पुराने पर भी आपको 1 साल की वारंटी मिलती है, विच इज अ गुड थिंग, एंड इसी प्रोसेसर का हम लोग यूज करने वाले हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द मदरबोर्ड जो कि इस प्रोसेसर के साथ में यूज होने वाला है, मदरबोर्ड को बुला लेते हैं। सो इस बिल्ड में हम लोग यूज करने वाले हैं एंट वैल्यू की तरफ से आने वाले, एंट वैल्यू इज अ ब्रांड ऑफ एंटी स्पोर्ट्स, इसकी तरफ से हम लोग यूज करने वाले हैं H61MAD3N मदरबोर्ड। H61 चिपसेट बेस्ड एक एंट्री लेवल मदरबोर्ड है, और आज के डेट में आपको इस प्रोसेसर के लिए ऐसा ही कुछ मिलने वाला है। DDR3 RAM सपोर्ट करता है, प्लस इसमें आपको जो है M.2 SSD का भी सपोर्ट मिल जाता है, नॉन NVMe वाली M.2 जो नॉर्मल स्टेट SSD आती है उसको भी आप यूज कर सकते हैं। इसी मदरबोर्ड का हम लोग यूज करने वाले हैं, 2 RAM स्लॉट्स मिल जाते हैं, इनफ रहेंगे, दोनों को पॉपुलेट करेंगे और इसका हम लोग यूज करने वाले हैं। अब आए थे दोस्तों रैम की यानी कि सिस्टम मेमोरी की इस पीसी बिल्ड में। सर मुझको भी कुछ मंगाने दीजिए ना, मतलब मैं भी मंगाओ मंगाओ जी जरूर। ये दोस्तों हम पे रैम आ चुकी है एंटी स्पोर्ट की, जो कि ये है 690 नियो VS DDR3 मेमोरी जो कि 8GB की है। वेरी नाइस, आगे का मैं बता देता हूँ। तो 2 RAM मॉड्यूल्स हम लोग यूज करने वाले हैं एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से आने वाली, उनकी वैल्यू सीरीज की एक और रैम 690 नियो VS। ये रैम है 4 GB के 2 मॉड्यूल्स, यानी कि टोटल इस सिस्टम में 8GB रैम यूज होने वाले हैं, DDR3 1600 MHz फ्रीक्वेंसी वाली 8GB टोटल यूज करेंगे। और मेजोरिटी ऑफ द टाइटल्स को अगर हम 720p या 1080p पर खेलेंगे तो सेटिंग्स के साथ थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करके इजीली इतनी रैम के साथ रन कर सकते हैं, इससे ज्यादा लेने की आपको जरूरत नहीं है इस पीसी पे।
अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना सस्ता सिस्टम है 15-20 हज़ार रुपए का, तो हार्ड ड्राइव ही मिलेगी पुराने जमाने वाली एज ओल्ड, है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। इस सिस्टम में भी हम लोग यूज करेंगे एक SSD। जी हाँ, सही सुना आपने, तो SSD को भी जरा बुला लिया जाए। Yo, SSD की बात कर ले, वी आर गोइंग टू यूज द एंड स्पोर्ट्स 690 नियो SSD, सेटा SSD है और 256 GB का साइज हम लोग यूज कर रहे हैं। 256 GB इज मच मोर देन इनफ। इसमें आप 2-3 गेम्स भी रख सकते हैं। ये अपनी GTA 5 और कैफे सिमुलेटर इसमें रख पाएंगे। ये इसमें अपने जो सॉफ्टवेयर है टैली वगैरह वो भी सीख पाएंगे, नो इशूज, इसको यूज करेंगे। और तो दोस्तों एक काम करते हैं, अभी सर ने SSD कर दी है, अब ग्राफिक कार्ड तुम्हारा भाई बताएगा। तो सर ये हमारा ASUS की तरफ से है केडी चीज ग्राफिक कार्ड, जो कि 2 GB का है और इसमें विंडोज 10 का सपोर्ट भी मिलता है। NVIDIA की तरफ से GeForce GT 730, जो कि काफी लो रेंज में अच्छा खासा ग्राफिक कार्ड है, बढ़िया है, वेरी नाइस। तो ये है GT 730। वैसे तो थोड़ा पुराना हो चुका है, बट आज ये भी अगर आप इसका GDDR5 मेमोरी वाला वेरियंट लेते हैं ना, तो आप जो APU के इनबिल्ट ग्राफिक्स का परफॉर्मेंस होता है उससे मच बेटर परफॉर्मेंस इस कार्ड से भी ट्रैक कर सकते हैं। यही काम हम लोगों ने किया। दिस कम्स विद 2 GB GDDR5 VRAM एंड प्लस ये पैसिव कूल्ड कार्ड है, तो इसमें आपको किसी तरह का फैन नहीं मिलता। इसका जो हीट सिंक है उसके साइज को ही इतना एक्सटेंड कर दिया जाता है कि आपको किसी फैन की जरूरत ना पड़े और पैसिवली आपका जो कार्ड है बिना किसी भी तरह की नॉइस को प्रोड्यूस किए ठंडा हो जाए। नाउ टॉकिंग अबाउट द पावर सप्लाई यूनिट, पावर सप्लाई को बड़ी पावर से आ गया अपना पावर सप्लाई, विच इज द एंड स्पोर्ट्स VS 450L। अगेन दिस बिलोंग्स टू द वैल्यू सीरीज और 450 वॉट का पावर सप्लाई इस बिल्ड के लिए मच मोर देन इनफ। इससे ज्यादा की जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग चाहते तो हम इसमें कोई एरा गैरा नथु गैरा 400-500 रुपए वाला सप्लाई भी यूज कर सकते थे, लेकिन हम ऐसा नहीं करना चाहते थे। हम लोग चाहते थे कि किसी भी चीज में हम लोग कॉम्प्रोमाइज ना करें, सो वी हैव यूज्ड दिस पावर सप्लाई, जो कि इजीली इस PC बिल्ड के लोड को हैंडल कर लेगा, पावर डिलीवरी में दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। ये भी कैडी चीज। अब बारी आती है दोस्तों केस की, यानी कि कैबिनेट की। We are going to use the Ant Esports Elite 1000 E-Series Cabinet. ये एक M80X केस है और क्योंकि ये मदरबोर्ड भी M80X से थोड़ा सा छोटा है, हम लोग चाहते तो इस रेंज में हम एक बड़ा केस भी यूज कर सकते थे इसके अतिरिक्त, लेकिन इस बार हम लोग इसी केस का यूज करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वी ऑल्सो फोकस ऑन द एस्थेटिक्स एट टेक ड्रीम स्टोर, तो हम लोग चाहते थे कि इनका जो बिल्ड है थोड़ा सा और भरा भरा साफ सुथरा सा लगे, बहुत ज्यादा खाली पना उसमें ना आए, तो जैसे कि हमारी जिंदगी में खाली पना है वैसा। तो इसी केस का हम लोग यूज करेंगे। बातें बहुत हो गई, शिवम आर यू एक्साइटेड फॉर द PC बिल्ड? अच्छा एक चीज और बता दूं कि शिवम को PC बिल्ड करना भी आता है। वैसे शिवम टेक ड्रीम स्टोर पर ऑपरेशंस को हैंडल करते हैं पूरे, लेकिन जब शिवम ने ज्वाइन किया था तो शिवम ने 3-4 बार PC भी बिल्ड किया था, राइट? बट क्या आपको अभी याद है कि बिल्ड करते कैसे? हां सर, 90% याद। वो तो अभी पता लग ही ना जाएगा। तो अभी शिवम ही खुद अपना PC बिल्ड करने वाला है और देखते हैं क्या करते हैं फिर और क्या बढ़े। हां चलिए चलते हैं। तो शिवम सबसे पहला क्या करते हैं PC बिल्ड करने में, जल्दी बताओ। हम अपन मदरबोर्ड लेते हैं, और उसको ओपन करके काम करते हैं। ये लो फिर, ये लो हथियार और करो वार। तो मदरबोर्ड में से कुछ तामझाम निकलता है, ये सारा इसको रखा लेते हैं। CD भी निकलती है जिसका हम यूज नहीं करेंगे। CD मदरबोर्ड निकाल लेते हो बाहर, इसको बंद कर लो। सेफेस्ट प्लेटफॉर्म टू बिल्ड योर PC मदरबोर्ड का डब्बा, तो कुछ इस तरह का बोर्ड जो है ये रहा। अब इसमें प्रोसेसर लगा लेते हैं। शिवम प्रोसेसर को निकालो जल्दी से, इसकी तो पैकिंग अतरंगी है, इसको वैसे फाड़ना ही पड़ेगा मुझे लग रहा है। फाड़ दो इसको, रख दो। ये आ गया अपना इंटेल कोर i5 3570। ओ बच गया। लो याद ना कैसे लगाना है, ट्रायंगल, वो ट्रायंगल से लाइन करना है, उसमें ट्रायंगल का है। हाँ तो यस, पहले नहीं खोलो उसको, सॉकेट को। अब इसको रिमूव करेंगे, खींचो बाहर इसको। हाँ आराम से पिन्स है सारी, ठीक है, बेंड नहीं होनी चाहिए। अब देख के ट्रायंगल वाली साइड इस तरफ रख दो ध्यान से, आराम से। ओ गुड गुड बॉय। अब इसको लॉक कर दो, पूरा वो हो चुका ना उसमें। हाँ रुको, सही से नहीं किया हमको यार, अभी आया नहीं सही से PC बनाना ना। ये लग गया, फर्स्ट स्टेप डन, प्रोसेसर जो है वो फिट हो चुका है मदरबोर्ड में। अब सेकंड स्टेप शिवम, व्हाट इज द सेकंड स्टेप? सेकंड स्टेप सर हम लगाते हैं रैम। ठीक है फिर निकालिए रैम। दीजिए सर हथियार, लो बिल्कुल लो।
इसमें दो ही स्लॉट मिलते हैं, हम लोग दोनों को पॉपुलेट कर रहे हैं फिलहाल के लिए। और इसकी पीसीबी जो है वो हरे वाली है, इस राम पर कोई हीट सिंक नहीं है, ये हरी नीली पीसीबी वाले राम मॉड्यूल्स हैं। लो मेरे को दे दो। सफाई भी साथ साथ करते रहे, स्वच्छ भारत का इरादा, देख के लगाना है लैच को। पता है ना कैसे लगाते हैं, थोड़ा सा इधर करके लगाओ ऐसे, पहले देख लो लैच किस तरफ ठीक है, लगाओ, पुश करो, खुश रहो, गुड, ओके। अब इसको लगाओ दूसरी को, लग गई, नाइस। बहुत जल्दी जल्दी सिस्टम बिल्ड होता हुआ। अच्छा हाँ, एक चीज हम लोग आपको बताना भूल गए कि कूलर तो हम लोगों ने लगाया नहीं, कूलर का है अपना इंटेल वाला, तो हम लोग इसमें इंटेल का स्टॉक कूलर ही लगा रहे हैं, जो कि ऑल ब्लैक वाला आता था, ये वाला कूलर अच्छा लगेगा इसके साथ में, कॉम्प्लीमेंट करेगा। ये शिवम से नहीं लग पाएगा तो इसको मैं लगा लेता हूँ, पहले मुझे जरा थर्मल पेस्ट दीजिए। इसके अंदर थोड़ा वो डर लगा है, इसके अंदर ये सॉकेट अलग है ना, तुम अभी तक शिवम थोड़े एडवांस पीसीज बनाते हैं, एल जी 1700 वाले उस टाइप के, तो इनको इसमें डर लग गया थोड़ा। कोई नहीं, ये लग गया थर्मल पेस्ट, अब इस पर लगा लेते हैं कूलर। मास्टर जेल लगाया है हम लोगों ने, कूलर मास्टर का ही। तो पता नहीं क्यों ये वाला कूलर जो होता है ये मुझे हमेशा से बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा लगाना आज तक, जबकि लोग कहते हैं दिस इज़ द सिंपलेस्ट कूलर टू इंस्टॉल, पर वही है कि सिंपल चीज़ें लाइफ में हम लोग से होती ही नहीं है, क्या करें। ठीक है, तो वी आर हाफ वे डन, मदरबोर्ड में प्रोसेसर लग गया, कूलर लग गया, रैम लग गई है। नाउ इट्स टाइम कि अब हम लोग इसको केस में शिफ्ट करें, तो लेट्स जस्ट मेक अप द केस रेडी। केस का है ये, ऐसे पता नहीं ऐसे क्यों करी जा रहा हूँ बार बार, ऐसे लग रहा है वो छोले भटूरे वाले नहीं होते बाजार में, देखे ऐसे ऐसे करते हैं वो, जो ऐसे छोले भटूरे। जस्ट लाइक दैट, चलो आ जाओ इसको खोल लो। ये है एंटी स्पोर्ट्स एलीट 1000, थोड़ा सा इसके ऊपर भी शक्ल देख लीजिए इसकी कैसी है, सोना सनखा केस है, बड़ा ही जवां केस है क्योंकि कुछ ही टाइम पहले लॉन्च हुआ था। SSD हम M.2 नहीं यूज कर रहे हैं, हम लोग वो यूज कर रहे हैं। हाँ वहाँ से खोलो उसका पैनल खोलो, क्या कर रहा, अरे क्या कर रहे हो बॉब, शादी ब्याह पर आए हो क्या? तुम तो टाइट कर रहे हो खोलने के बजाय, इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। देखो बॉब को मैंने इतना सिखाया लेकिन आज बॉब नट भी उल्टे टाइट कर रहा है, वेरी बैड यार बॉब। ये सर वैसे वाले थे निकल जाएंगे। हाँ ठीक है गाइस, तो हमने इस केस को जो है पूरा नंगा कर लिया है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा केबल्स नहीं है, तो हम लोग पहले ही ना ही हम लोग कोई कूलर लगा रहे हैं एक्स्ट्रा जिसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो हम लोग पावर सप्लाई को भी पहले ही लगा लेंगे। नहीं पहले मदरबोर्ड लगा लेते हैं, काम करते हैं फिर पावर सप्लाई लगाते हैं। लेट्स इंस्टॉल द मदरबोर्ड। और ये साइज देखो इसका ना, एकदम फिट आएगा इसमें ये मदरबोर्ड, बहुत ज्यादा खाली खाली नहीं लगेगा जितना कोई अगर हम लोग फुल ATX ले लेते या केस बड़ा ले लेते तो लगता, तो वो चीज भी है। बाकी एक फैन अपने को पीछे मिल ही रहा है, दो फैंस में और इंस्टॉल करके देने वाला हूँ जस्ट फॉर सम बेटर एयर फ्लो। इसमें हम लोग डालेंगे एनटेक के रिवर्स पिच फैंस है मेरे पास, जो उनके फ्लक्स सेगमेंट वाले होते हैं उनको हम लोग टॉप पर यूज करेंगे ताकि वो इनटेक का काम कर पाए। शिवम इसकी वो कहाँ है पत्ती, पत्ती सर इसमें पत्ती बोले तो आयो शील्ड देसी भाषा में पत्ती, इसको ध्यान से जब भी आप ऐसा कोई पत्ती वत्ती लगाएं बहुत ध्यान से लगाएं क्योंकि इससे ब्लड टेस्ट हो जाता है, मेरा तो बहुत बार हुआ है, तो ब्लड टेस्ट से बचे। कितने भैंडे लोग हैं, ये भी पूरा नहीं निकाल रखा इसका, ये पत्ती में से भी ना चाहते ही हैं कि मरे, मतलब मरे नहीं, चाहते हैं कि हाथ कटे मेरा। बच गया भाई, हो नहीं वाला था, जा नहीं वाला था, ये बहुत ज्यादा बारीक होती है गाइस, जैसे पेपर कट्स लगते हैं ना वैसे वाले कट लगते हैं इससे, तुम मत लगाओ शिवम तुम्हारे हाथ नाजुक है, ये पता चले लहू लुहान हो जाओ, शहीद ना हो जाओ कहीं काम पे। ये लग गया है, अब इसमें पत्ती लगा दिया हूँ, अब इसमें जाएगा ये मदरबोर्ड। तो दोस्तों मदरबोर्ड घुसा दिया हूँ, जैसे कर दिया हूँ, ये वाला एक्सीडेंट अपना वो होता है ना जो हमारे बिहार के भाई होते हैं ना, तो भाई देखो जब मैं कॉलेज में था तो मेरे कॉलेज में बहुत सारे मेरे भाई बंधु थे जो कि बिहार से बिलोंग करते थे, तो लोगों का एक्सीडेंट बड़ा सॉलिड होता है, मतलब मजा आता है सुन के। तो उनमें से एक जो बंदा था वो कॉलेज में हमेशा लेट आया करता था क्लास में ना, तो क्लास में जब हमारे बिहारी भाई लेट आया करते थे तो एक बार टीचर को चढ़ी खुंदक, टीचर ने उनकी गुद्दी पकड़ ली और टीचर कहती टीचर कहता कि कल से तुम क्लास में नहीं आके बैठोगे क्योंकि तुम आते हो भैया लेट। तो हमारे जो भाई थे वो चौड़े होके बोले ऐसे कैसे नहीं बैठिएगा, फीस भरा हूँ। चलो दोस्तों काम धंधे पे लग जाते हैं। हाँ वेरी नाइस, निकालो निकालो, ओह ये तो केचप मस्टर्ड है। चलो कोई नहीं गाइस, इसमें थोड़ी केचप मस्टर्ड केबल्स मिलती है, बट केचप मस्टर्ड ये देखो, देख रहे हैं सॉस हो जैसे एक मस्टर्ड सॉस और एक तुम्हारी टमाटर की चटनी हो वैसी, दिस इज कॉल्ड केचप मस्टर्ड। बट खैर जिस प्राइस पर ये आती है उस पर दिस इज मच बेटर देन जो आपको इस प्राइस में मिलेगा ना सस्ते टिकाऊ ब्रांड्स के साथ, मतलब सस्ते ब्रांड टिकाऊ नहीं होते जो आते हैं इस रेंज में, बट ये ऐसा है जो सस्ते होने के साथ भी रिलायबल है, तो थोड़ा अच्छा काम कर तो रहा है एंटी स्पोर्ट्स वैसे जो भी कहो। अब इसको लगा लेते हैं,
इसको लगा लेते हैं, लगा दिया हूँ। टिप फॉर बिगिनर पीसी बिल्डर्स, जब भी पीसी बिल्ड करें, कोई भी कंपोनेंट को इंस्टॉल करें, मेक श्योर हमेशा जब भी आप स्क्रूज को लगाएं और टाइट करें, गो विद द क्रिस क्रॉस पैटर्न, ताकि आप जो है एक तरफ से कंपोनेंट को ज्यादा उठा ना दें और दूसरी तरफ से फिर उसका स्क्रू फिट ही ना हो। तो ऑलवेज गो क्रिस क्रॉस। अब जरा दोस्तों बॉब की थोड़ी सी नॉलेज टेस्ट कर लेते हैं कि इनके रिवीजन कैसी है। बॉब ये कौन सा है? ये सर कनेक्टर आपका 24 पिन लगती है। वेरी नाइस, मदरबोर्ड में लगती है। सीपीयू वाला कौन सा ढूंढ के दो इसमें से। सीपीयू वाला है सर ये सर सीपीयू का वायर नहीं है, सीपीयू की नहीं है। कौन सी है ये? सीपीयू, हाँ ये सीपीयू की वायर है। और आपकी सेटा की केबल जो लगती है उसकी वायर। नाइस, ठीक है। पावर सप्लाई केबल्स हैव बीन कनेक्टेड। अब जल्दी से जरा इनको भी कनेक्ट कर लें जो कि केस के केबल्स हैं। केबल मैनेजमेंट देख रहे हो, इसमें भी हम लोग कितनी सही कर रहे हैं। थोड़ी बहुत केबल है पर बढ़िया है। इससे पहले आपने बहुत बिल्ड देखे होंगे लेकिन इसके अतिरिक्त जीए वाला बिल्ड देखिए इसके अतिरिक्त कोई नहीं देखिएगा वीडियो में दोस्तों। हैशटैग बॉब डीलर का नारा लग जाना चाहिए। सीख गया लड़का। This is Bob Dealer second video. ये हाँ, मैं क्या कह रहा था कि मुझे ये लग रहा था कि यार तुमने अगर Linus Tech Tips की वीडियो देखी है तो उसमें एक बंदा आता है जिसकी शक्ल शिवम से मिलती है। अब कई लोग कह रहे हैं नहीं मिलती, लेकिन मैं कह रहा हूँ मिलती है। अगर तुम्हें लगता है कि ऐसा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आकर बताना। मेरे को उस बंदे का नाम याद नहीं है बट वो बहुत सारी Linus की वीडियोस में आता है, उसके बाल थोड़े से लंबे हैं। शक्ल मिलती है इस लड़के से उसकी ना। चलो सब लग गया, सब लगा दिया हूँ, अब क्या रह गया? बस ये रह गया। दोस्तों पीसी बनकर हो चुका है पूरी तरह से तैयार और आपने बी रोल्स देख ही लिए इस पीसी के। अब आई एम प्रीटी श्योर आप सोच रहे होंगे कि इसके बेंचमार्क्स कहाँ हैं, तो डोंट वरी, कंटेंट ऐसे छोड़ कैसे दें, व्यूज चाहिए ना भाई हमें भी दबा दबा के। तो इस वीडियो को पूरा सपोर्ट करो। इसकी नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके बेंचमार्क्स आएंगे जिसमें 720p 1080p पर मैं इस पीसी बिल्ड की टेस्टिंग करूंगा। प्लस जब वो वीडियो आ जाएगी तो उसका लिंक आपको ऊपर आई कार्ड पर मिलेगा। और अगर नया देख रहे हो तो मेरे चैनल पर चले जाना, इस वीडियो की नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बेंचमार्क्स मिल जाएंगे। एंड बस आपको कैसे लगा पीसी बिल्ड कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताना। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो कीजिए लाइक, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और दबाइए बेल आइकन को भी ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आए सबसे पहले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन चीयर्स।